नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 247 हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे 19th of February की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये आशीष गौतम आपका मेरे दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं कि तहे दिल से शुक्रिया करता है और स्वागत करता है कि आपने इतना प्यार दिया है और इस तरीके से अपना प्यार देते रहिए। और डेफिनेटली मेरे दोस्त, ऊपर वाले की परमात्मा की कृपा रही तो राज करेंगे, ठीक है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्या क्या रहने वाला है। बड़े ध्यान से सुनिएगा यार, बड़े प्यार से सुनिएगा। कल उत्तर प्रदेश का बजट आया है, कुछ योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं, कुछ स्पेशल है भी है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बट पेशेंस रखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोटिवेशनल कोट, एक शानदार कोट डिस्कस करेंगे। देन फिर बढ़ेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट उन एमसीक्यूज की तरफ जो कि लास्ट सेशन में हमने न्यूज फॉर्म में डिस्कस किए थे। कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज इस तरीके के भी रहेंगे जो कि हमने न्यूज़ फॉर्म में नहीं डिस्कस किए थे। अराउंड मेरे पास कुल मिलाकर 20 हैं, जिसमें 11 हम लोग पहले कल न्यूज़ डिस्कस की थी, 9 आपको अलग हटके मिलेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर डेज का रिवीजन रहेगा, जितने नए बच्चे हैं उनको याद रखना है। देन फिर बढ़ेंगे मेरे भाई आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज। देन फिर भाई स्टेट यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, इस तरीके से ये ओवरऑल सेशन रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सबसे पहले मोटिवेशनल कोट क्या। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला, अगर तुम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो तो उसे बदल दो, अगर उसे बदल नहीं सकते हो तो अपना रवैया बदल लो। यार अगर ये किसी के समझ में आ जाए ना तो यार मुझे लगता है उसकी जिंदगी की टेंशन, पूरी की पूरी टेंशन, 99.99% टेंशन ही खत्म हो जाए। जैसे समटाइम क्या करते हैं, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे मेरे भाई लाइफ हो, चाहे इवन कुछ भी हो, इवन एग्जामिनर से भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती, काश यार ये आ जाए, काश यार ये आ जाए, काश यार ये आ जाए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज़ को नहीं बदल सकते, कोई भी चीज़ रिजिड है, कोई भी चीज़ खराब है और आपको लगता है यार मैं क्या करूं, मेरे पास यार ये ही है और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, तो भाई साइड में रखो उस चीज़ को। आप उसे नहीं बदल सकते, अपने को बदल सकते हैं, चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है, लोग मुझसे कहते थे भाई गाड़ी ना धीमे चलाया करो, धीमे चलाया करो। मैंने पूछा क्यों धीमे चलाऊं यार, मैं तो वैसे भी नॉर्मल सही चलाता हूं गाड़ी। कहते हैं तुम अपनी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, दूसरे की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, पता नहीं तुम्हारे सामने कौन अनाड़ी खड़ा हुआ हो। तो इसलिए दोस्त हमेशा याद रखा करिए, खुद को कंट्रोल में रखकर चलिए, खुद को हमेशा एक अच्छे जोन में रखकर चलिए और बेहतर तरीके से रखिए। और हमेशा कोशिश किए कि अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो अपने चीजों को इतना बेहतर कर लीजिए कि हाँ सारी चीजें कंट्रोल में हो जाए। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहां पर सिंपल शब्दों में, जरा देखें, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, जल्दी से शेयर कर दो यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ी मासूमी होती है, अच्छा अच्छा यार, जरा देखो कितना शायर शायराना अंदाज में लिखा है, जरा मैं पढ़ देता हूँ। बड़ी मासूम होती है ये मोहब्बत, यारों धड़कनों की हलचल बढ़ जाती है जिंदगी की बातों से। ललित टेम्परे भाई, बहुत यार लगता है मेरे भाई को अभी भी फरवरी का बुखार चढ़ा हुआ है। जरा मुद्दे की बात पर आते हैं, 1 फरवरी को हम लोग कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं? 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे जिसकी थीम रही थी आई एम एंड आई विल, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, इसकी थीम रही थी अनलीसिंग यूथ पावर, अनलीसिंग यूथ पावर, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे और 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये दोनों ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे एंड 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे जिसकी थीम रही रेडियो एंड डाइवर्सिटी, नेशनल वुमेन्स डे ये आपका 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ये रहते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी। अब बढ़ते हैं दोस्त आगे, सबसे पहला सवाल ध्यान सुनेगा, भारत की कोनेरू हम्पी ने US में कैंस कप खिताब जीता है, वह किस राज्य से है? इंडियाज कोनेरू हम्पी हैज वॉन, इंडियाज कोनेरू हम्पी हैज वॉन कैंस कप टाइटल इन US, शी इज फ्रॉम विच स्टेट, वह किस राज्य से है? दोस्त आंसर बनता है शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से है, कहां से है ये? आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट न्यूज, कंट्री की फर्स्ट फ्रूट ट्रेन कहां पर चली है? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां का है? आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा एम वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्लासिकल तेलुगु में स्टडी करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, और इसको इनॉग्रेट किया था एम वेंकैया नायडू साहब ने। तो 3 इंपॉर्टेंट क्या हो गई, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, कंट्री की फर्स्ट फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश, एम वेंकैया नायडू साहब ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन किया था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, किस चीज के लिए? फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु, फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु। नेक्स्ट यार, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट,
which country has won या which country has been announced as the host for FIH Junior Men's World Cup 2021 by International Hockey Federation. किस देश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH Junior पुरुष विश्व कप 2021 के लिए मेजबान घोषित किया है? तो दोस्त आंसर बनता है ऑप्शन नंबर वन इंडिया को. अभी क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ना, उसने अनाउंस किया है कि जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2021 इसको जो देश होस्ट करेगा उसका नाम है भारत. भारत मेरे भाई इसको होस्ट करेगा. प्लस इसके अलावा FIH इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सर लॉजन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है. स्विट्जरलैंड के लॉजन में इसका मुख्यालय है. अच्छा एक चीज और याद रखनी है, जो मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है मेरे भाई 2023 में, उसको होस्ट करेगा अपना प्यारा भारत. ठीक है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप हॉकी और वुमेन्स वर्ल्ड कप हॉकी होगा, इसको होस्ट करेगा स्पेन और नीदरलैंड. ये दोनों देश मिलकर इसको होस्ट करेंगे, स्पेन और नीदरलैंड, स्पेन और नीदरलैंड, इसको याद रखना. स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी यहां पर चलती है यूरो. और यहीं पर मैड्रिड में COP25 कॉन्फ्रेंस रही थी. COP25 कॉन्फ्रेंस कर रही थी स्पेन में रही थी. और COP26 कॉन्फ्रेंस जो रहेगी वो रहेगी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में. अच्छा नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी यहां पर यूरो चलती है. ओके ठीक है. और एक चीज याद रखना, आप लोगों ने नाम सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है. नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्त. अपार्ट फ्रॉम कतर की बात कर लेते हैं, कतर की कैपिटल है दोहा, करेंसी रियल चलती है. फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2022, इसको जो देश होस्ट करेगा वो मेरे भाई कतर है, कतर है. और जो नेक्स्ट रग्बी वर्ल्ड कप होगा, नेक्स्ट रग्बी वर्ल्ड कप होगा, उसको फ्रांस होस्ट करेगा. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा. अभी FIH रिलेटेड, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट न्यूज थी. प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन किनको घोषित किया गया? मनप्रीत सिंह को. मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मनप्रीत सिंह. 2019 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद. वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर लाल रैम स्यामी, लाल रैम स्यामी. तो लाल रैम स्यामी FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एंड विवेक सागर प्रसाद 2019 FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एंड प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज मनप्रीत सिंह. तीनों नाम रट लेना, तीनों नाम टिप्स पर रटे हुए होने चाहिए. नेक्स्ट मेरे भाई, 15th फाइनेंस कमीशन हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट. 15वें वित्त आयोग ने कृषि निर्यात पर, देखो ये कीवर्ड बनेगा कृषि निर्यात पर, एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन करने का निर्णय लिया है. इसके अध्यक्ष कौन है? टेक्निकल टीम पांचों ऑप्शन विजिबल है ना दोस्त? भाई थोड़ा मुझे ऊपर कर दो, आई एम फीलिंग कि मैं भाई वो बालकोनी नहीं होती, बालकोनी में बैठा हूं, थोड़ा ऊपर कर दो. हाँ ना भाई सही है. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, राजीव कुमार सर, एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कमेटी बनाई थी और उसको हेड कर रहे राजीव कुमार. ही इज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है. मिहिर शाह नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके हेड है मिहिर शाह. तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया, अपना आंसर ये नहीं है. संजय मित्र, जम्मू कश्मीर जब बाइफरकेट हो रहा था तो जम्मू कश्मीर को जब बाइफरकेट किया जा रहा था दो यूटी में, एक जे एंड के में और एक लद्दाख में, तो इन दोनों के बीच में असेट एंड लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था. इसके रिगार्डिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसको हेड किया था फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्र साहब के द्वारा. एनके सिंह, वैसे तो अपना आंसर बनता है यहां पर संजीव पुरी. एनके सिंह अभी न्यूज में रहे थे, ये पैनल था. 15th फाइनेंस कमीशन ने अभी एक 5 मेंबर का ग्रुप बनाया था ऑन डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, उसको हेड कर रहे हैं एनके सिंह. डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो ग्रुप बनाया गया है उसके हेड है एनके सिंह. आई होप सो गाइस क्लियर होगा. दिमाग में चीज रखेगा, हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा. और इसी तरीके से इसी अप्रोच को अपनाएंगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा भाई. चीजों को इंटरलिंक करिए. जितना भी अभी करंट में न्यूज रहा, आंध्र प्रदेश आया, आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा खोल के रख दो. पूरा का पूरा है क्या कमिटी, और कह सकते हैं कोई भी कमिटी बन रही है, कोई भी टास्क फोर्स बन रही है, उसके हेड कौन है, सारे दिमाग में होने चाहिए. एक ही नोटबुक, एक नोटबुक में एक ही पेज पर लिखना स्टार्ट कर दो, इससे चीजें ध्यान रहेंगे. अरे ठीक है कमिटी आई वहां पर उस पेज पर लिखना है, तो आपके पास खुद ब खुद खुद के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे. छोटी छोटी चीजें अपनाने की कोशिश करो, देखो बेहतर ही होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030.
स्टॉकहोम में 2030 वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व या यूं कहें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2020 जो रही थी स्टॉकहोम में। आंसर बनता है यार यहाँ पर नितिन गडकरी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, नितिन गडकरी साहब ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। देखो गजेंद्र सिंह शेखावत सर ये जल शक्ति मिनिस्टर हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है। गिरिराज सिंह ये एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्ट्री ये देख रहे हैं, कहीं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बता देना सर यहां पर आप गलत हैं, ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रहलाद जोशी कोल माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं। एक बार जरा बता दीजिए कि सर यहां पर आप गड़बड़ हैं, बाकी तो मेरे को जहां तक है क्लियर, यही एग्जैक्टली आंसर बनता है, ठीक है। प्रहलाद जोशी साहब का मैं देख रहा हूं क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल तो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर वो क्लियर है, हाँ यार ये है प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। कोल मिनिस्टर ठीक है और माइंस मिनिस्टर है। एक और चीज याद रखना धरवाद कर्नाटक इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है, ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे साहब का देख लेते हैं, जहां तक चंदौली उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। नेक्स्ट एक नाम है गिरिराज सिंह एनिमल हस्बेंड्री डेरी एंड फिशरीज मिनिस्ट्री देख रहे हैं और बेगूसराय बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर है, जोधपुर राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ओवरऑल सही था बट द कंफ्यूजन, बट आई होप सो गाइस क्लियर होगा, पांचों ऑप्शन आपके क्लियर होने चाहिए कि किस किस मंत्री के पास कौन कौन सा मंत्रालय है। नेक्स्ट मेरे भाई तेलंगाना हैदराबाद में जैव एशिया शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कर रहा है, इसका विषय क्या है? ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखते दिमाग में बहुत सारी चीजें हिट करेंगी। अब देखते हैं करता भी है कि नहीं करता, अगर नहीं करता तो करवाना पड़ेगा मेरे भाई। तेलंगाना इज होस्टिंग बायो एशिया समिट 2020 इन हैदराबाद, व्हाट इज द थीम? इस बायो एशिया समिट 2020 की थीम क्या है जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है? वैसे देखो यहां पर रेडियो एंड डाइवर्सिटी किसकी है सर, इट इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे सर, इट इज ऑल एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन 13th February, ये 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर आई विल इट इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे जो कि आपका 4th February को ऑब्जर्व किया था। अनलीजिंग यूथ पावर इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, ये डे आपका 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी थीम थी अनलीजिंग यूथ पावर, ठीक है। एमएसएमई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक अभी आरबीआई ने ऑब्जर्व किया है 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, ठीक है, और उसकी थीम क्या रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, इसकी थीम रही थी एमएसएमई। और दोस्त एक और चीज याद रखिएगा यहां पर जो आंसर बनता है वो टुडे फॉर टुमारो, ये एक लंबा लिखा गलत है, टुडे फॉर टुमारो अपना आंसर बनेगा, इसकी थीम रही थी, क्लियर है दोस्त? टुडे फॉर टुमारो इसका आंसर बनता है टुडे फॉर टुमारो, एमएसएमई आरबीआई की रही थी टुडे फॉर टुमारो, ठीक है। आगे बढ़े दोस्त, अच्छा एमएसएमई मिनिस्ट्री कौन देख रहा है ये सर, अभी मैंने यार इनका नाम नहीं बताया क्या, अरे नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री देख रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री देख रहे हैं, नागपुर महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है, नागपुर महाराष्ट्र। अगला सवाल सुनिएगा, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें COP सम्मेलन का उद्घाटन किया? इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स? गाइस COP 13 की बात करें जो स्पेशली किसके ऊपर है, ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स। सवाल उठता है कि इसको कहां पर इनॉग्रेट किया गया, तो इट इज इनॉग्रेटेड इन गांधीनगर, इसको गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया, तो कहां पर मेरे भाई, गांधीनगर में। मैंने यहां पर एक ऑप्शन चूज किया अहमदाबाद, उससे रिलेटेड एक न्यूज है, फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन जो कि लार्जेस्ट फूड एग्री बिजनेस और रूरल डेवलपमेंट समिट है एशिया का, इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, इसको अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था मेरे भाई, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और अभी आपको पता होना चाहिए सेकंड तेजस
जो ट्रेन है जो कि कॉरपोरेट ट्रेन रही थी उसको कहां से फ्लैग ऑफ किया गया था, यहां पर अहमदाबाद टू मुंबई किनके द्वारा किया गया था, विजय रूपानी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, 50 फीट की, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पर है। यहीं पर मेरे भाई 31st काइट फेस्टिवल भी मनाया गया, 31st काइट फेस्टिवल यहीं पर मनाया गया था। ठीक है दोस्त, यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, यहां तक आगे बढ़े। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम अहमदाबाद, अभी आगे पढ़ाऊंगा, आगे ऑप्शंस हैं और भी हैं बहुत कुछ जानने के लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया है, जिसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा के दौरान करेंगे, यह किस शहर में है? वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम द मोटेरा स्टेडियम रीनेम्ड एज दी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम विल बी इनॉग्रेटेड बाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, इट इज इन विच सिटी, ये किस शहर में, ये किस शहर में मेरे भाई? आंसर बनता है सर, इट इज इन अहमदाबाद, ये भी सर अहमदाबाद में, अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर टू, ये अहमदाबाद में है। क्लियर है मेरे भाई? लखनऊ डिफेंस एक्सपो, ओके भाई सेशन पसंद आ रहा, लाइक वाइक करते चलो यार, 2300 बच्चे हो गए अभी हाल ही, तो यार प्लीज प्लीज लाइक करते चलो पसंद आ रहा है तो। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। किस राज्य ने नादू नेदू कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च फर्स्ट फेज ऑफ नाडू नेडू प्रोग्राम, फर्स्ट फेज ऑफ नाडू नेडू प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? देखो पश्चिम बंगाल के बंगश्री और चासुंदरी और बंगश्री, दो योजना, चासुंदरी और बंगश्री, बंगश्री और चासुंदरी, ये दो योजना है वेस्ट बंगाल की। केरल की है विजयमृतम और सहचरी, विजयमृतम सहचरी केरला, अभी ये रीसेंट की है यार, पिछले महीने की समझिए, विजयमृतम सहचरी केरला हो गया, बंगश्री चासुंदरी ये वेस्ट बंगाल हो गया। उड़ीसा की तो क्लियर है अमाघरे एलईडी सुनेत्र स्कीम, अमाघरे एलईडी सुनेत्र स्कीम, कालिया स्कीम, पीटा स्कीम, मो सरकार योजना, मो परिवार योजना, ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है, कल तो न्यूज़पेपर में भी आया था हिंदू में, अमाघरे एलईडी सुनेत्र स्कीम, कालिया स्कीम, पीटा स्कीम, मो सरकार, मो परिवार, जगह मिशन, ये सारी की स्कीम, मधु एप्लीकेशन, ये उड़ीसा राज्य की है। असम की अपोनर अपोघर योजना, अपोनर अपोघर योजना, अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, यहाँ पर यही किया है। आंध्र प्रदेश अपना आंसर बनता है, नाडू नेडू प्रोग्राम इज अ स्कीम ऑफ, इज अ प्रोग्राम ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का प्रोग्राम है। इसके अलावा जरा ध्यान से सुनना, वाहन मित्र स्कीम आंध्र प्रदेश, नेथना नेस्तम आंध्र प्रदेश, बड़े ध्यान से, नेथना नेस्तम आंध्र प्रदेश, वाहन मित्र आंध्र प्रदेश, इसके अलावा नाडू नेडू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही भाई दिशा बिल अभी इनोग्रेट, दिशा बिल लॉन्च किया गया था और बेसिकली पहला महिला पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में ओपन किया गया है, रायतू भरोसा, रायतू बंधु नहीं, बंधु तेलंगाना, बट रायतू भरोसा की बात होगी तो ये आंध्र प्रदेश की है। नवोदयम इसकी, नवोदयम ये भी आंध्र प्रदेश की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूवल दी, भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है कि कुल मिलाकर 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे, एक पार्क आंध्र प्रदेश में भी बनेगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, कुल मिलाकर 4 राज्य है जहां पर की 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। जो मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन को इनॉग्रेट किया था आंध्र प्रदेश में, अभी एक और स्टेट ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन को इनॉग्रेट किया है, आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो इनॉग्रेट किया गया तो वो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया। सवाल यहां पर ये उठता है मेरे भाई कि सबसे इससे इसके अभी हाल ही में अभी किसने यहां पर वर्चुअल पुलिस स्टेशन को इनॉग्रेट किया है? टाइगर ट्रंप एक एक्सरसाइज रही थी विशाखापट्टनम और काकीनाडा में, ये भारत की यूनाइटेड स्टेट के साथ एक्सरसाइज है। कोनेरू हम्पी जो कि गुडीवादा से है, मतलब आंध्र प्रदेश के गुडीवादा से है, इन्होंने फाइड वर्ल्ड ग्रैंड प्री 2019 भी जीता था। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को पायलट बेसिस पर 4 राज्यों में लॉन्च किया गया जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात शामिल है। फन जोन जो कि अपने तरीके का पहला है भारत में, इसको अभी हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर सेटअप किया गया। कहां पर? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर सेटअप किया गया है, बहुत बढ़िया। जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन अभी ओपन किया गया वो उड़ीसा स्टेट में किया गया, कहां पर? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट मेरे भाई, कांग्रेस लीडर चौधरी खुर्शीद अहमद has passed away recently. He was the former minister of which state? कांग्रेस नेता चौधरी खुर्शीद अहमद का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? आंसर बनता है वह हरियाणा राज्य के पूर्व मंत्री थे, हरियाणा राज्य के पूर्व मंत्री थे। किसको वर्ष 2019-20 के संबंध में डिजिटल परिवर्तन की सरकारी प्रक्रिया में उत्कृष्टता के लिए सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया है? Who has been awarded silver for excellence in government process?
किसको वर्ष 2019-20 के संबंध में डिजिटल परिवर्तन, मतलब यहां पर बात की जा रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, डिजिटल परिवर्तन की सरकारी प्रक्रिया में उत्कृष्टता के लिए सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में सिल्वर से सम्मानित किया गया है फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। आरबीआई रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है वो ये है कि माइकल डी पात्रा इसके अभी हाल ही में क्या बने हैं, सर माइकल डी पात्रा डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बने, डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। नेक्स्ट दोस्त सेबी के हैं अजय त्यागी, ठीक है। फिक्की के यार प्रेसिडेंट का नाम क्या है, संगीता रेड्डी, अभी हाल ही में बनी है यार। इंटरनेशनल कह रहा हूं ये आपका IRDAI रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हेड का नाम क्या है, सुभाष चंद्र खुंटिया। अगर ऐसा है तो यस सर, अगर नहीं तो मेरे भाई नो सर, और नो के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि हु इज द हेड ऑफ IRDAI अपार्ट फ्रॉम आरबीआई। ने अभी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, इसका नाम है मनी, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है। सेबी का मुख्यालय कहां पर, 1988 में बना था, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है, और 1992 में ये स्टैचुरी बॉडी बना था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिक्की की है संगीता रेड्डी, एससी खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया, आईआरडीआई के सर सुभाष चंद्र खुंटिया ही आंसर आ रहा है, चलिए ठीक है। नो सर आई डोंट, यस सर, बहुत से तो नो सर कर रहे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें, नेक्स्ट यार, किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे, देखो 10 सवाल हो गए, अब 10 और हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए थे। किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिए योधाबू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, विच स्टेट हैज लॉन्च योधाबू मोबाइल एप्लीकेशन टू कॉम्बेट ड्रग मीनेस। गाइस आंसर बनता है इट इज लॉन्च बाई केरल राज्य सरकार ने अभी योधाबू एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किस चीज के लिए, जो नशीली दवाएं हैं उनके खतरे का मुकाबला करने के लिए, उससे उस जो खतरा है उससे मुकाबला करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया केरल राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने पुलिस परफॉर्मर्स को मान्यता देने के लिए एक मासिक अप्रेंटिस अप्रिशिएट एंड कमांड योजना शुरू की है, मतलब ये किसी राज्य की पुलिस है उसके द्वारा एक मंथली बेसिस पे जितने भी पुलिस परफॉर्मर रहेंगे, पुलिस परफॉर्मर ऑफ द मंथ रहेंगे, उनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत अप्रिशिएट किया जाएगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव यहां पर एक इनिशिएट लिया गया है। तो पुलिस परफॉर्मर्स जितने भी रहेंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको मान्यता दी जाएगी, उनको लोगों के सामने लाया जाएगा कि भाई ये लोग हैं, इन्होंने इस महीने में बहुत बेहतर काम किया है। सवाल उठता है कि ये जो अप्रिशिएट और कमांड स्कीम है ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई, तो इट इज लॉन्च बाई पंजाब गवर्नमेंट, ये पंजाब राज्य के द्वारा की गई है। पंजाब राज्य की जो है सरबत सेहत योजना पंजाब की है, और पंजाब ने अभी हाल ही में इंडस रिवर डॉल्फिन को क्या किया था मेरे भाई, इंडस रिवर डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर मैरिटाइम म्यूजियम की बात हो रही है को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, मैंने कहा कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर बना दिया ये सवाल। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली डेवलप नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन गुजरात लोथल। का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, पुर्तगाल है जो कि भारत को सहायता करेगा यहां पर नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बनाने में। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है सर, लिस्बन है। करेंसी यहां पर क्या चलती है सर, यूरो यहां पर मुद्रा चलती है। पोलैंड की कैपिटल है सर वॉर्सो, करेंसी यहां पर जुलॉटी चलती है। देखो दो इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, करेंसी यहां पर यूरो चलती है। वियना इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ओपेक का मुख्यालय भी आपका वियना में है। कनाडा, ब्राजील, जरा पहले आते हैं ऑस्ट्रिया और पोलैंड पर। नोबेल प्राइज की बात करें, नोबेल प्राइज में भी लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर में भी 2018 और 2019 की बात करेंगे। यहां पर 2019 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में वो दिया गया था पीटर हैंडके को और ये ऑस्ट्रिया के हैं, पीटर हैंडके को, ये ऑस्ट्रिया के हैं। 2018 का दिया गया था ओल्गा तुकारगजुक को और सर ये पोलैंड की हैं, क्लियर होना चाहिए। नोबेल प्राइज 2018 ओल्गा तुकारगजुक पोलैंड, 2019 नोबेल प्राइज लिटरेचर पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा ने अभी हाल ही पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर।
11th जो ब्रिक्स समिट रहा था वो ब्राजील के ब्राजीलिया में रहा था, और ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो वो अभी इंडिया में विजिट पर आए थे, ठीक है। जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन रहा था उसमें बतौर चीफ गेस्ट आए थे, उनको यहां पर बुलाया गया था। आगे बढ़ते दोस्त, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मुंबई और पुणे के बीच भारत की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा किसने शुरू की है? हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस बिटवीन मुंबई एंड पुणे। भाई पसंद आ रहा है, लाइक करते चलो यार दोस्त। यहाँ पर दीप्ति, राजेश, संतोष, शिवा, आकाश, ओके मृत्युंजय, दलवीर, ओके प्रगति, विनोद, ओके भाई पसंद रहा लाइक करते चलो। ट्वेल्थ वाला जो वो रशिया होस्ट करेगा। यहां पर ये कि मुंबई पुणे के बीच भारत की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा किसने शुरू की है, मतलब किसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था? तो जहां तक मुझे याद है इट इज इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी साहब। इसे नितिन गडकरी साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, अब जरा ध्यान सुनना। राजकुमार सिंह पावर मिनिस्टर है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, और आरा बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्टर है, टूरिज्म मिनिस्टर है, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है मेरे भाई? पटेल साहब इनका दमो मध्य प्रदेश। नितिन गडकरी क्लियर है। हरदीप सिंह पुरी सर ये आपके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है, और राज्यसभा एमपी है ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और अरुणाचल वेस्ट इनका निर्वाचन क्षेत्र है। किस राज्य सरकार ने यश भारती पुरस्कार को राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार से बदलने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस यश भारती अवार्ड विद स्टेट कल्चर अवार्ड? गाइस आंसर बनता उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिसाइड किया कि वो यश भारती अवार्ड को स्टेट कल्चर अवार्ड से रिप्लेस करेगी, और डेफिनेटली एग्जाम का सवाल ये बनेगा। नेक्स्ट, किसे नए वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? जरा आंसर दे दीजिए यार। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि 1 रुपए के कॉइन पर किसके साइन होते हैं? फटाफट से मुझे आंसर करिएगा दोस्त, 1 रुपए के कॉइन पर किसके साइन होते हैं? फटाफट से दोस्त आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ना, और फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, प्लीज जरा सोचिएगा और ध्यान से आंसर करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 रुपए के कॉइन पर किसके साइन होते हैं, इसका आंसर करना सवाल का, उसके बाद नेक्स्ट बताना है। ओके ओके देवाशीष, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा पहले सुनो। अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी एलिमिनेट, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ये एलिमिनेट, अतनु चक्रवर्ती इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ये एलिमिनेट हो गया, अजय भूषण पांडे रेवेन्यू सेक्रेटरी ये एलिमिनेट हो गया, फिर आंसर बनता देवाशीष पांडे, तो यहां पर देखिए सीज तो आ रहा, आ मिस हो गया, नहीं तो आशीष भी बन जाता है यहां पर, ठीक है। देवाशीष पांडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंशियल सेक्रेटरी, देवाशीष पांडे यहां पर बने। आशीष सर के साइन होते हैं, काश यार भगवान करे तुम्हारे मुंह में सरस्वती बैठ जाए यार, ठीक है, किसी दिन मेरे यार, किसी दिन ऐसा नहीं हो कि शपथ ले रहा हूं मैं भाई साहब, शपथ लेता हूं फाइनेंस मिनिस्टर की, ठीक है, ज्यादा हो गया ना, आ जाते जमीन पर, ज्यादा उड़ना नहीं। चलिए आगे बढ़े, नो साइन, यार देखो 1 रुपए के कॉइन पर किसके साइन नहीं होते, 1 रुपए के नोट पर, आंसर तो बहुत लोग कर रहे थे अभी इसके होते हैं, 1 रुपए के नोट पर, तो कॉइन पर तो किसी के नहीं होते, 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, 1 रुपए से ऊपर के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, नेक्स्ट मेरे भाई, किस राज्य सरकार ने राज्य में पेड़ लगाने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए प्यार का पौधा प्लांट ऑफ लव अभियान शुरू किया है? देखो फरवरी का महीना चल रहा है तो मोहब्बत के बारे में यहाँ पर बातें चलेंगी, अब कुछ भी चीज होगी ना इंटरलिंक मोहब्बत से करके ही करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो कोई पौधा लगाएगा नहीं, चलिए प्यार शब्द जोड़ दीजिए, इस बहाने लगाने तो लग जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा एक कैंपेन लॉन्च किया था जिससे कि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो प्लांटिंग करना स्टार्ट करें ट्रीज की, या यूं कहें प्लांट ऑफ लव, ये कैंपेन किस राज्य सरकार का है, ओके सो गाइस आंसर आ चुका है यहाँ पर, बिहार राज्य सरकार का ही है। पटना यहाँ पर याद रखना है, पटना में अरुण जेटली जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और बिहार के जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं, और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट दोस्त आगे बढ़ते हैं, INS जमुना ने किस देश में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है?
इन विच कंट्री आईएनएस जमुना हैज कैरी आउट हाइड्रोग्राफिक सर्वे. अच्छा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या है ये भी तो जानना जरूरी है. बेसिकली सबसे पहले तो मुझे जवाब दीजिए, आईएनएस जमुना ने किस देश में हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है? वियतनाम. सर 36th जो आसियान समिट होगा, आसियान समिट होगा उसको जो देश होस्ट करेगा वो है वियतनाम. श्रीलंका के साथ इंडिया की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है मित्र शक्ति, और एक एक्सरसाइज का नाम है सिलिनेक्स, ठीक है. और चाइना के साथ होती है हैंड इन हैंड. साउथ कोरिया के साथ सहयोग युबलियोग. जापान के साथ तीन है, सहयोग काइजन कोस्ट गार्ड की रही थी, सहयोग काइजन, सहयोग युबलियोग ये भी मेरे भाई साउथ कोरिया के साथ है बट ये भी कोस्ट गार्ड की थी. सहयोग काइजन जापान के साथ रही, सिन्यू मैत्री जापान के साथ रही, और धर्म गार्जियन ये जापान के साथ रही. अपना जो आंसर बनेगा यहां पर श्रीलंका बनेगा, श्रीलंका. अब ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है, जल सर्वेक्षण कहिए या इसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहिए. हाइड्रोग्राफिक सर्वे सागर का वैज्ञानिक मानचित्र होता है, जो सागर होता है उसका वैज्ञानिक मानचित्र होता है, जिसमें सागर की गहराई, उसकी आकृति, उसका तल, उसमें किस दिशा से और कितनी धाराएं बहती हैं इसका ज्ञान होता है. इसी को हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं. और इसके लिए आईएनएस जमुना मेरे भाई डिप्लॉय किया गया था, जिसने कि श्रीलंका में हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था. क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अभी तो आज की न्यूज पर नहीं आया, आज की न्यूज पर चलेंगे. कौन सी दूरसंचार कंपनी एशिया में उभरते बाजारों में दूसरे सबसे मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर के रूप में उभरी है आफ्टर चाइना मोबाइल. विच टेलीकॉम कंपनी हैज इमर्ज्ड एज सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल मोबाइल ऑपरेटर अमंग इमर्जिंग मार्केट इन एशिया? आंसर बनता है भारतीय एयरटेल. भारतीय एयरटेल हैज इमर्ज एज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल मोबाइल ऑपरेटर अमंग इमर्जिंग मार्केट इन एशिया. नेक्स्ट मेरे भाई, कंबाला एक वार्षिक बहस दौड़ किस राज्य में आयोजित की गई है? यार दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, कंबाला इज एन एनुअल बफलो रेस हेल्ड इन विच स्टेट, या किस राज्य में ये प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है? इसका नाम है कंबाला. एक चीज मैं सुन रहा था यहाँ पर कि जो गौडा थे उन्होंने भाई सबसे पहले तो रिकॉर्ड बनाया था, 9.6 सेकंड में वो रिकॉर्ड था. फिर उस रिकॉर्ड को यहाँ पर निशांत सेट्टी ने भी ब्रेक कर दिया. अनदर कंबाला रनर निशांत सेट्टी ब्रेक दी श्रीनिवास गौड़ा रिकॉर्ड. तो भाई इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया ये और कम में यहाँ पर बना दिया है. तो बेसिकली बात करते हैं तो यहाँ पर जो गौड़ा साहब थे उन्होंने 9.55 सेकंड लिए थे 100 मीटर को कवर करने के लिए, और निशांत सेट्टी की बात करते हैं उसने तो ये पूरा का पूरा 9.51 सेकंड में कर दिया. मतलब इससे पहले जो आप लोग देख रहे थे भाई इमेज वायरल हो रही थी गौड़ा साहब की, गौड़ा साहब ने अभी एक रिकॉर्ड बना दिया था कि उन्होंने 100 मीटर की रेस 9.55 सेकंड में पूरी की थी, और अभी ये जो निशांत सेट्टी इन्होंने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. अनदर ये कंबाला राइडर कह सकते हैं, रनर कह सकते हैं, और इन्होंने ये जो किया 9.51 सेकंड में किया था, 9.51 सेकंड में ये किया था. तो अपने काम की चीज बनती है कि ये जो कंबाला एक वार्षिक भैंस दौड़ है किस राज्य में आयोजित की जाती है. तो दोस्त ये प्रत्येक वर्ष, ओके, प्रत्येक वर्ष कर्नाटक आंसर आ रहा है. तो अगेन आंसर यहां पर बनता है अपना कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक आंसर बनेगा. अब बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाते हैं. फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सेमिनार कम एग्जीबिशन ऑन नवाल वेपन सिस्टम नवरम्स 2019 ये कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था. रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 किताबों को लॉन्च किया जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? इट इज ऑथर्ड बाई अनिता भटनागर जैन, और इन 3 किताबों के नाम है कुंभ, गरम पहाड़ और दिल्ली की बुलबुल, ठीक है, सिंधी एडिशन इसका. और ये कहा, ये किनके द्वारा लिखी गई? अनीता भटनागर जैन के द्वारा. ये तीनों लॉन्च की जा चुकी हैं. जल शक्ति, जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, उन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वाटर कंजर्वेशन के ऊपर लॉन्च की थी, इसका नाम है शिखर से पुकार, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने अभी लोकतंत्र के स्वर का खंड 2 और रिपब्लिकन एथिक का खंड 2 मेरे भाई नई दिल्ली में लॉन्च किया था. ये रहे आज, कल मुलाकात होगी तो कल ये लोग हम बाकी का डिस्कस करेंगे. आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 15-16 न्यूज है, के करके पढ़ते हैं. अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस विल स्पेंड 10 बिलियन टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज. अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए 10 बिलियन मेरे भाई खर्च करेंगे. स्पेशली ये अपनी टोटल वेल्थ जो है इनकी, जो खुद की बात की जा रही है, उसमें से 10 बिलियन डॉलर स्पेशली क्लाइमेट चेंज के लिए खर्च करेंगे. तो सवाल बन सकता है कि कितना अमाउंट 10 बिलियन है या कौन खर्च करेगा, तो ये बनेगा 10 बिलियन खर्च किए जाएंगे जेफ बेजोस के द्वारा. ही इज अ फाउंडर ऑफ अमेज़न. अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला फर्स्ट कंट्री, और याद रखिएगा फर्स्ट कंट्री इसका नाम है यूके. अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया, और अभी हाल ही में स्पेन ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया था. नेक्स्ट यार,
विराट कोहली हैज बिकम दी फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. इन्होंने प्रियंका चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया है. विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय बन गए हैं. तो सवाल ये बनेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. पहले भारतीय का नाम क्या जिनके इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स हो गए. दोस्त आंसर बनता है विराट कोहली. यहां पर आंसर क्या बनेगा, विराट कोहली. नेक्स्ट दोस्त, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है. देखो यही सवाल बनेगा कि कौन सा एयरपोर्ट है जो कि अभी हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना है. तो इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इट हैज बिकम द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट. ठीक है दोस्त, क्लियर है तो एक बार लिख दो यस सर, सारी चीजें क्लियर है. लाइक बटन पर प्रेस करते चलना यार दोस्त, लगता है इनके लिए 10 बिलियन कुछ नहीं है. नहीं होगा यार, तभी तो या यूं भी तो कह सकते हैं कि वो कंसर्न है. ओके आगे बढ़े दोस्त, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं. यहां पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये यूं क्या एग्रीमेंट समझौता विद भारत संचार निगम लिमिटेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए BSNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. तो किस टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने 1000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए समझौता किया है. तो आंसर बनता है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL. नेक्स्ट यार, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस. द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस एज मनोहर पारेकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस. मतलब भारत सरकार ने फैसला किया है कि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पारेकर रक्षा अध्ययन एंड विश्लेषण संस्थान किया जाए. मतलब क्लियर हो चुका है, अप्रूवल दे दी गई है. कैबिनेट ने कहा है कि द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA, अब इसका नाम हो जाएगा यहां पर IDSA तो रहेगा, MPO रह जाएगा. मतलब मनोहर पारेकर IDSA, मनोहर पारेकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस. नेक्स्ट मेरे भाई, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टेक्निकल टीम एक बार के लिए जरा ये हटाएगा, ये ओवरलैप कर रहा है मुझे नहीं यार, मेरे ऊपर लोगो एक मिनट के लिए. लोगो यार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू न्यू स्कीम, चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड युवा उद्यमिता विकास अभियान टू प्रमोट एंड हेल्प द यूथ ऑफ द स्टेट. सर कल बजट आया था उत्तर प्रदेश का, तो दो स्पेशली यूथ के लिए बात करते तो दो योजनाओं का यहां पर अनाउंसमेंट रहा था. एक यहां पर योजना रही थी CMAPS और दूसरी युवा, यही बनेगा. CMAPS इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट, आंसर बनता उत्तर प्रदेश की. या युवा इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट, गाइस आंसर बनता उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को बढ़ावा देने और उनकी मदद के लिए दो नई योजनाओं मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम CMAPS और युवा उद्यमिता विकास अभियान की घोषणा की. दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए किसने यहां पर मेरे भाई लॉन्च किया है. स्पेशली सिर्फ अगर मैं राज्य सरकारों की योजनाओं की बात करता हूं तो वहां पर सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है. तो इसमें याद रखना युवा या CMAPS, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैज बैंड जेवलिन थ्रोअर अमित दहिया फॉर 4 ईयर्स. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भाला फेंक अमित दहिया, मित की जगह आ रह गया इसमें से, अमित दहिया पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. अब देखो मेरे काम की चीज कितनी बनेगी. अमित दहिया किस खेल से संबंधित, तो ही इज अ जेवलिन थ्रोअर, ये भाला फेंक है, भाला फेंक खिलाड़ी है, पहला सवाल. दूसरा, यहां पर नाडा ने अभी किस जेवलिन थ्रोअर पर प्रतिबंध लगाया, तो दूसरा सवाल यहां पर जो बना उसका आंसर बनेगा अमित दहिया. इतना क्लियर है. नाडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया, तो सुनील शेट्टी साहब को अभी नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया. नाडा ने अपना मेरे भाई ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. नेक्स्ट यार, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना यार उसको.
पॉपुलर बंगाली फिल्म एक्टर एंड फॉर्मर टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस एमपी तपस पाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली ही वाज 61 लोकप्रिय बंगाली फिल्म अभिनेता या तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तापस पाल का हाल ही में निधन हो गया है और वह 61 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 61 वर्ष के थे। अब काम की चीज क्या बनेगी? सबसे पहला तापस पाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली ही वाज व्हाट? तो यार या तो एक्टर आ जाएगा या तो पॉलिटिशियन आ जाएगा, तो ये दोनों ही थे। एक्टर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, बंगाली एक्टर थे फेमस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से थे वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तापस पाल का नाम बहुत सारे न्यूज पेपर में रहा था यार। नेक्स्ट यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। लॉरेस जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो अनाउंस किए गए, और वक्त याद करिए 2011 वर्ल्ड कप, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम एक मूवमेंट आया था, जबकि सचिन तेंदुलकर साहब की बात करते हैं, लीजेंडरी सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर की बात करें, इनको कंधे पर उठा लिया गया था और उस मूवमेंट को यहाँ पर दर्ज किया गया है। कहा गया है कि पिछले 20 सालों में ये सबसे आकर्षक मूवमेंट रहा है। तो सचिन तेंदुलकर 2011 वर्ल्ड कप मूवमेंट हैज बिकम दी लॉरेस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट। सचिन तेंदुलकर का 2011 विश्व कप का क्षण लॉरियस सर्वश्रेष्ठ खेल क्षण बना है, लॉरियस सर्वश्रेष्ठ खेल क्षण बना है। स्पेशली बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर साहब जो कि भारत के हैं, इनको लॉरेस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। लॉरेस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखना कितने सारे अवार्ड इस सीरीज से रिलेटेड है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, यार डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनेगा। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये दो लोगों को दिया गया है, एक लुइस हैमिल्टन को F1 रेस, ठीक है, मोटर रेसिंग से रिलेटेड, यूके से है, और लियोनल मैसी मेरे भाई फुटबॉल से संबंधित है जो कि अर्जेंटीना से है। इन दोनों को लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। सबसे पहला तो यही आएगा, लॉरेस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर सचिन तेंदुलकर साहब, या लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन और लियोनल मैसी संयुक्त तौर पर दिया गया। अब लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यहां पर दिया सिमोना बाइल्स को, जो कि जिम्नास्टिक से संबंधित है और ये यूएसए की है। किस खेल से संबंधित है, किस देश से है, प्लीज यार रट लेना। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन लिखा है यार, नहीं वुमेन लिखा है, माफ करिएगा, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट एक और अवार्ड मेरे भाई, लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर साउथ अफ्रीका की जो रग्बी यूनियन टीम है उसको दिया गया है, और ये साउथ अफ्रीका बेसिकली, और ये बनी है लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। क्लियर दोस्त? एक इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट यार, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हैज बीन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई है। अब शुरू तो हो गई, अब इवेंट रहेंगे, मेडल्स रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी, बट लेट्स सी क्या रहता आगे। बट मेरे काम की चीज बनती है अभी इवेंट और उसका वेन्यू। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। दोस्त यार 3200 प्लस बच्चे देख रहे हैं, लाइक तो ठोकते चलो, पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक भी कर दो। यस सर, सारी चीजें क्लियर है, मतलब क्या नाराजगी क्या है? ये नाराजगी कागजी सारी मेरी बच्चों, मेरे सोने हो, सुन लो मेरी, जरा फटाफट से लाइक ठोक दो, फटाफट लाइक ठोक दो, 2000 लाइक तो कर दो। आगे बढ़ते हैं, अभी तो और भी न्यूज है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट लाइक करोगे तभी मजा आगे आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, बट पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलो ना भाई, इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारा, आज तो ब्लैक में है, स्मार्ट लग रहा हूँ ना, तो फटाफट लाइक ठोक दो इसी के लिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यार, ये बहुत अच्छी न्यूज आई है, जरा ध्यान सुनिएगा। हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इन 2019 विद 615 मिलियन स्पीकर्स। 2019 में 615 मिलियन बोलने वालों के साथ हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे पहले मेरे भाई इंग्लिश है, उसके बाद मंडारिन जो कि चाइना की है, हिंदी है, फिर स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबिक है, बंगाली देखिए सातवें नंबर पर बंगाली है, थर्ड प्लेस पर हिंदी है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर समझना, अगर टॉप पर बात करते तो इंग्लिश है। पूरा एग्जैक्ट डेटा दिखा देता हूं मैं आपको। 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग, विश्व भाषा डेटाबेस एथनोलॉग के 22वें संस्करण ने 1132 मिलियन वक्ताओं के साथ अंग्रेजी को सूची में सबसे ऊपर बताया है। चीन की जो मंदारिन है उसको 1117 मिलियन वक्ताओं के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है। पहले पे इंग्लिश रही, दूसरे पे मंदारिन रही चाइना की, और बंगला को जो बंगाली है उसको दुनिया की सातवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में स्थान दिया है, और बंगला में 228 मिलियन देशी वक्ता है। आई होप सो गाइस ये भी क्लियर होगा, ठीक है। हिंदी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बनी है। ये जो डेटा रिलीज किया गया ये एथनोलॉग के द्वारा, के वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग की जो एक रिपोर्ट आई है इसमें यहां पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यार, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री
एश जयशंकर विल इनॉग्रेट इंडियन पवेलियन एट 17th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जर्मनी. विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे. तो 17th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, 70वां संस्करण ये याद रखना है. इसमें जो इंडियन पवेलियन होगा उसे इनॉग्रेट कौन करेगा? एस जयशंकर साहब जो कि अपने विदेश मंत्री हैं. इससे रिलेटेड बहुत न्यूज है, एक एक करके जरा समझा देता हूँ. इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या टेक्निकल टीम लोगो, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट. मतलब मुझे हटा दो, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो मेरे भाई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है. मतलब ये इंपॉर्टेंट बनेगा, किसके साथ मिलकर? CII के साथ है. कौन सी मिनिस्ट्री? तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री. ठीक है, अब ये 70वां जो बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसको जरा समझना. इंडियन डेलीगेशन हेड टू बर्लिन फॉर 17th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कुछ नहीं है. ठीक है, बर्ली रेन 2020 टू बी हेल्ड फ्रॉम 20th फरवरी टू 1st मार्च. इसका नाम है बर्ली रेन 2020, टाइटल नाम है. फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर टू इनॉग्रेट इंडियन पवेलियन. इसके अलावा तीन जो भारतीय मूवी हैं इनको फीचर किया जाएगा, जिसमें एक है लाइपला और सतगीत, एब अली ओ बापरे बाप, सतल पुराण सेलेक्टेड फॉर दी फेस्टिवल. तीन मूवी को यहां पर सेलेक्ट किया गया, और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी, गुमनाम दिन, इनको भी यहां पर सेलेक्ट किया गया है. इंडियन डेलीगेशन टू प्रमोट ईज ऑफ फिल्मिंग इन इंडिया. अपने काम की चीज बनती है. चार मूवी, तीन मूवी रही यहां पर और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रही, जिसको फीचर किया जाएगा 17th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान. ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं. कल जो चीज थी उसमें एक शब्द यूज किया गया था कैलेंडर ईयर, और एक शब्द होता है फाइनेंशियल ईयर. बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें. कैलेंडर ईयर की जब कभी भी बात आती है तो इट इज जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर की जब कभी भी बात आती है तो याद है अप्रैल टू मार्च. अब मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है, इसने जो अब ग्रोथ रेट फोरकास्ट करी है इट इज बेस्ड ऑन कैलेंडर ईयर. ये कैलेंडर ईयर के आधार पर की है. इन्होंने कहा है कि कैलेंडर ईयर 2020 में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है इट विल बी 5.4%. और यही है यहां पर इनके द्वारा डिसाइड किया गया. पहले 6.6% था, अब कहा है कि कैलेंडर ईयर पूरे जो 2020 रहेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 रहेगा, उसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वो 5.4% रहने का अनुमान है. मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान को 6.6% से 5.4% तक घटा दिया. कहा है कि 5.4% रहने का अनुमान है. और आगे इन्होंने बोला एट द सेम टाइम इट हैज कट दी 2021 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 5.8%. तो यार ध्यान से सुनना बड़े, यहां पर 2020 की बात करते हैं तो इसमें 5.4% रहने का अनुमान है. अब 2021 के लिए इन्होंने बोला है कि यहां पर जो ग्रोथ रेट रहेगी इट विल बी 5.8%. क्लियर है दोस्त यहां तक? फाइनेंशियल ईयर ये हो गया अप्रैल टू मार्च, ठीक है. कैलेंडर ईयर हो गया जनवरी टू दिसंबर, ठीक है. यहां तक क्लियर होना चाहिए, ये कंफ्यूजन जो था कल सारा कंफ्यूजन आई होप सो क्लियर होगा. अगर मैं और यहां पर डेटा की बात करता हूं तो और डेटा बहुत सारा है, जैसे कि आरबीआई ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की है 2019-20 के लिए 5% है, ठीक है. अब वर्ल्ड बैंक, इसका मैं कल आपको एक पूरा लिस्ट दे दूंगा, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB ने कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करी है, और जितनी भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं NSO ने इंडिया की 5% ही फोरकास्ट करी, और जितनी भी हैं सारा डेटा कल मैं आपको एक फाइल ला कर दे दूंगा, मतलब एक इमेज दे दूंगा, उसमें सारा डेटा मेंशन होगा, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अकॉर्डिंग टू द US बेस्ड थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू इंडिया इमर्ज एज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय ओवरटेकिंग UK एंड फ्रांस इन 2019. अमेरिका स्थित थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. अलग अलग कोई ना कोई मेरे भाई रिपोर्ट देता है, जो ये रिपोर्ट दी है ये US बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू. इसकी US बेस्ड थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का कहना है कि भारत 2019 में UK और फ्रांस को पछाड़कर वर्ल्ड की या विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. इंडियाज इकोनॉमी इज 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद
जीडीपी ऑफ यूएस डॉलर 2.94 ट्रिलियन, 2.94 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यूएसए है और पांचवें नंबर पर भारत यहां पर आ गया है यूके और फ्रांस को पछाड़कर। आगे बढ़े दोस्त, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। पाकिस्तान हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल राद सेकंड विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 600 किलोमीटर। पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल राद सेकंड का सफल परीक्षण किया। मेरे काम की चीज सिर्फ यहां पर नो स्ट्राइक रेंज नथिंग, सिर्फ इतना कि राद ये किस देश का एक मिसाइल है। राद इज अ मिसाइल ऑफ पाकिस्तान। राद एक क्रूज मिसाइल है और ये किस देश का है, ये पाकिस्तान का है, इसको याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो आज अपना आखिरी दिन डिस्कस कर रहे हैं झारखंड, फिर कल मुलाकात होगी तो अगला स्टेट रहेगा। फॉर्मेशन हुआ 15 नवंबर 2000 को, एक मिनट यार लोगो हटाएगा। ठीक है, रांची इसकी कैपिटल है, मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है, गवर्नर इसके द्रौपदी मुर्मू है, कुल मिलाकर 24 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट यहाँ पर 6 है। लार्जेस्ट सिटी जमशेदपुर रही, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है जिसमें कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। अपार्ट फ्रॉम यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व है, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी राज्य में स्थित है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी राज्य में स्थित है, उधवा लेक इसी राज्य में स्थित है, प्लस सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व भी इसी राज्य में स्थित है। तो दलमा, हजारीबाग, उधवा, सिंहभूम ये सारी आपकी झारखंड राज्य में स्थित है। मैथोन डैम, चंदिल डैम, पंचेत डैम, मैथोन, चंदिल और पंचेत ये सारे डैम झारखंड में स्थित है। मैथोन डैम बराकर रिवर पर, चंदिल डैम सुवर्णरेखा रिवर पर और पंचेत डैम ये दामोदर रिवर पर स्थित है। आई होप सो गाइस सारी चीजें यहां तक क्लियर रही होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, टेक्निकल टीम सामने लाएगा। देखो जितने भी बच्चे यार दोस्त एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हैं, एसबीआई पीओ प्लीज यार एक मिनट रुकिएगा, और जितने भी आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल कुछ इन्फॉर्मेशन में लेकर आया हूं यहां पर। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का हमारा प्योर इंग्लिश और एक बायलिंगुअल बैच लॉन्च किया गया है जो कि आपको स्टोर पर मिल जाएगा। आज के दिन मेरे भाई एक कोड यूज करना Y168, इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, 60% का, अभी तक 40-45 था। इस बैच को परचेज करना है तो प्लीज चाहिए, संतोष सर यहाँ पर मिलेंगे, नीरजा मैम यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस बैच में आप देखिए एक बार स्टोर पर विजिट करिए, अड्डा स्टोर पर, इस बैच के लिए जितने भी आरबीआई के लिए जा रहे हैं जिनका प्री हो चुका है, तो मेंस का इंतजार ना करिए, मतलब कि प्री का रिजल्ट आएगा तभी भाई मेंस के लिए तुरंत की तुरंत हिट करिएगा। एसबीआई प्योर क्लर्क के लिए करंट अफेयर का बैच आ रहा है जो कि अब 3 मार्च मेरे भाई शिफ्ट किया गया, 20 फरवरी से हो रहा था, 3 मार्च से शुरू किया जाएगा। और यहां पर मैं डिटेल में अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, टॉपिक वाइज रहेगा, प्लस उस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। इसके लिए भी आपको अड्डा स्टोर पर विजिट करना, अगेन मैं फिर कहूंगा कोड यूज करना Y168। जितने भी बिगिनर्स और जो पहली बार सेशन देख रहे हैं, जो आज तक मेरे साथ कभी नहीं जुड़े हैं, इस बैच से जुड़ जाइएगा, यहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा। इवन लास्ट 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर यहां पर मैं कवर कराऊंगा, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे। जिनको मेरे भाई यहां पर पढ़ रहे बेहतर है, बट जिनको पूरा का पूरा लास्ट 6 मंथ का एक बार में ही कवर करना है, इस बैच के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। स्टोर पर विजिट करना, Y168 कोड यूज करना, 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेशन पसंद है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद चीजें ये रहती है कि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो सब्सक्राइब करो दोस्त और 7 बजे आपको पता चल जाएगा, खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगी टर्न करके कि भाई हाँ चलो आशीष सर भैया तैयार हो गए, हमें भी तैयार होना है। ठीक है, जुड़ेगा जरूर इसी तरीके से, और जाना कहीं नहीं, 8 बजे संतोष सर और पीयूष सर आ रहे हैं आपके लिए एडिटोरियल लेके, बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, तो प्लीज 8 बजे भी जुड़ना। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जब हमने अड्डा 24/7 शुरू किया था तो हमारा एक ही ड्रीम था कि क्वालिटी एजुकेशन को घर घर तक लेकर जाना है। तो इस देश में जो मेट्रो है और जो गांव है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है जिस तरीके की एजुकेशन दी जाती है। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता था, दैट हाउ वी कैन ब्रिज दिस गैप। पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों की जॉब लगवाने में हम सफल रहे हैं। 10 करोड़ स्टूडेंट्स का साथ है। अब हम वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में भी आ गए हैं, 8 से ज्यादा लैंग्वेजेस हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी।